Hello students, myself Manohar Sandelia, Team Zoology. आज के इस last दंगल solution में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप इन जो 10 दंगल में आपने जो किया है उससे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस आपकी 17 जुलाई के दंगल में रहे। असली लड़ाई अपनी 17 जुलाई का दंगल है और उसमें अपने को 720 में से 720 करके दिखाना है। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं दंगल 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट्स ए बी सी इन गिवन बिलो फिगर विच रिप्रेजेंट्स द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू करेक्ट लेबलिंग। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में है जिनमें पोरीफेरा सिलेंटेड एटिनोफोर आएंगे, जिनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक में टू जर्म लेयर बन रही हैं, एक आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और दोनों लेयर के बीच जो है वो इसमें मेसोग्लिया बनती हैं। तो आउटर लेयर ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्टोडर्म होगी। इनर लेयर सी से रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोडर्म, और बीच की जो लेयर है वो बी है, जो सेलुलर नहीं होके क्या जिलेटिनस सब्सटेंस है, जो क्या है मेसोग्लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ए क्या हो गई एक्टोडर्म, बी मेसोग्लिया एंड सी एंडोडर्म। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, क्रेटिनिज्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, क्रेटिनिज्म जो है वो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है जो किसी बच्चे में जो है वो उसकी चाइल्डहुड स्टेज में जो है वो अगर थायरोक्सिन कम हो जाए या प्रेग्नेंट लेडीज है उसमें थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो बच्चा प्रोड्यूस होगा उसमें क्रेटिनिज्म हो जाता है, जिसमें फिजिकल मेंटल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो ऐसे बच्चों को क्रेटिन्स कहेंगे और ये डिसऑर्डर क्रेटिनिज्म होगा। तो क्रेटिनिज्म जो है वो किसके कारण होगी, डेफिशिएंसी ऑफ T3 T4 इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के अंदर जो है वो T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्रेटिनिज्म हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 103, व्हाट इज करेक्ट अबाउट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखना आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन आर सेपरेटेड बाय फ्लूड फिल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट इन केमिकल सिनेप्स। करेक्ट है, केमिकल सिनेप्स में जो है वो क्या होता है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच जो है वो फ्लूड फिल्ड जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बनती है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर अबेंडेंट इन आवर न्यूरल सिस्टम, ये इनकरेक्ट है। कौन सा होता है, केमिकल सिनेप्स जो है वो अबेंडेंट होते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरोन टू अदर न्यूरोन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल करंट जो है कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन, डायरेक्ट अगर वन टू अनदर न्यूरोन जा रहा है इसका मतलब वहाँ केमिकल सिनेप्स नहीं है, वहाँ किसके थ्रू जा रहा है, डायरेक्ट कंडक्शन की तरह ही जो है वो उसमें जा रहा है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी उसके अंदर नहीं है। तो वहाँ केमिकल सिनेप्स नहीं होके कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्ट अगली न्यूरोन पर जा रहा है, इट मीन्स कैसा होगा वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो है वो ये पॉसिबल है, केमिकल सिनेप्स में नहीं जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू रिसेप्टर ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में न्यूरो ट्रांसमीटर का कोई रोल नहीं होता है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा रहेगा, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट 104, द टू सिस्टम दैट जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, शरीर के कार्य की और उसके साथ साथ इसके कार्य के फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, करेक्ट पूछा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबल्ड पार्ट शोन इन द गिवन डायग्राम ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में दे रखा है कि इनके अंदर जो है वो करेक्ट मैचिंग आपको देखनी है। फर्स्ट ए मास्ट सेल, ये इनकरेक्ट हो गया पहले ही, ए जो है वो मास्ट सेल नहीं है, कौन सी सेल है, ए मैक्रोफेज है, डी मास्ट सेल है। क्लियर? बी फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये यहाँ तक करेक्ट है, बी फाइब्रोब्लास्ट सेल है, सिक्रीट मेजर अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, फाइबर्स भी बना रही हैं और उसके साथ साथ
मैट्रिक्स का जो मेजर अमाउंट है वो भी फाइब्रोब्लास्ट बना रही है, इट मींस ये भी, ये जो है वो इसका करेक्ट हो गया, सी कोलेजन फाइबर, यहाँ तक सही है। अबेंडेंटली प्रेजेंट इन लिगामेंट, कोलेजन फाइबर जो है वो लिगामेंट में अबेंडेंट नहीं होते, कौन से होते हैं इसके अंदर जो है वो लिगामेंट में जो होंगे वो येलो इलास्टिक फाइबर जो है वो ज़्यादा होंगे, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद मैक्रोफेज डी में दे रखा है, मैक्रोफेज ये इनकरेक्ट हो गया, डी क्या होती है, डी जो है वो मैक्रोफेज की बजाय कौन सी सेल है, मास्ट सेल होती है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसमें, तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया सेकेंड आंसर, क्लियर। उसके बाद देखें 106 में लिगामेंट कनेक्ट्स, लिगामेंट जो है वो किसको कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन को, तो लिगामेंट्स जो है वो बोन टू बोन कनेक्ट कर रहे हैं। पहले में आप देख रहे हो ह्यूमरस टू बाइसेप्स, एक मसल से एक बोन है, टीबिया टू फीमर दोनों बोन है, तो टीबिया टू फीमर दोनों बोन्स हो गई, बाइसेप्स टू ट्राइसेप्स ये दोनों ही मसल्स है, डेल्टोइड टू ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है उसी का प्रोसेस जो है वो डेल्टोइड होता है, अलग बोन नहीं है, तो बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला जो है वो कौन सा हो गया, टीबिया टू फीमर, इनको कनेक्ट कर रहा है वो लिगामेंट है, तो आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। 107 विच आर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखो तो एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ 126 बोन्स, इनकरेक्ट है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होंगी, 80 बोन्स होंगी, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल वर्टिबल कॉलम स्टर्नम एंड रिब्स, ये करेक्ट है, एक्सियल स्केलेटन में स्कल वर्टिबल कॉलम रिब्स और स्टर्नम ये एक्सियल स्केलेटन फॉर्म कर रही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आप देखें सी द टोटल ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स ऑफ स्कल इज 22, तो क्रेनियल और फेशियल बोन के नंबर्स जो है वो टोटल कितने हैं, 22 बोन्स हैं, क्लियर। उसके बाद डी है क्रेनियल बोन्स आर 10 इन नंबर, क्रेनियल बोन्स जो है वो नंबर्स में कितनी है, 10 जो है वो क्रेनियल बोन्स होती हैं, इसका मतलब जो है वो क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन से हो गए, बी और सी, तो बी एंड सी जो है वो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर क्या जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 108 द ऑर्डर ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स इन द रेटिना फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहा है रेटिना में, तो रेटिना इस टाइप से हो गई, तो इस टाइप से जो है वो रेटिना होती है, इस रेटिना के अंदर जो है वो सबसे आउटर लेयर जो है वो कौन सी सेल की होती है, सबसे अंदर की तरफ तो क्या बनती है इनमें, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, और गैंग्लियोनिक के बाहर जो है वो कौन सी बनती है, बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, और सबसे बाहर जो है वो कौन सी बनेगी, रिसेप्टर सेल बनेगी, जिसमें रोड सेल और कॉर्न सेल होती है, तो पूछ क्या रहा है, आउटर टू इनर साइड पूछ रहा है, तो आउटर टू इनर साइड है, तो आउटर साइड में फोटो रिसेप्टर सेल्स, रोड और कॉर्न सेल्स, उसके बाद उसके अंदर बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, और सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो कौन सी होगी, गैंग्लियोनिक लेयर होती है, क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, पहले फोटो रिसेप्टर सेल्स, आउटर टू इनसाइड पूछा है, तो आउट टू इनसाइड है वो फर्स्ट फोटो रिसेप्टर, फिर बाइपोलर, फिर गैंग्लियोनिक सेल्स, क्लियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखें 109 मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, कॉलम फर्स्ट और सेकेंड को मैच करके और इनमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें आपको देखना है। सबसे पहले दे रखा है कूफर सेल्स, कूफर सेल्स है वो कहाँ होती है, लीवर साइनोसोइड्स में, बीटा सेल्स, बीटा अल्फा गामा डेल्टा ये सेल्स किस में होती है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट में होगी, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स होती है स्टोमक में, और पेनिथ सेल स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में जो है वो पेनिथ सेल होती है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैचिंग करवाएं तो क्या होगा, ए के साथ सेकंड, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, सेकंड फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, क्लियर। उसके बाद देखें 110 इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन दैट इज पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन इफ द ए एनिमल जो है वो कितने हैं 36%, तो ए ए एनिमल 36% है, इट मीन्स पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी
36%, 36% का मतलब 36 अपॉन 100, इट मीन्स 0.36, पी स्क्वायर की वैल्यू 0.36, इट मीन्स पी की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट 0.36, पी की वैल्यू अंडर रूट 0.36, इट मीन्स पी की वैल्यू आ गई 0.6, पी की वैल्यू 0.6 आ रही है तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो ये आ गई 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, तो पी की वैल्यू है 0.6, क्यू की वैल्यू 0.4। पूछा क्या है, 2PQ की वैल्यू पूछी है, तो 2PQ की वैल्यू करोगे तो 2 × 0.6 × 0.4, उसके हिसाब से 0.48 का मतलब परसेंटेज में कितना आ जाएंगे, 48% आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर, तो ये इसमें थर्ड आंसर हो गया करेक्ट। उसके बाद देखें 111, फाइलेरियस इज ए हेलमिंथिक डिजीज कैरेक्टराइज बाय स्वोलन लिम्स इज कोज्ड बाय वुचर एरिया। ए में क्या जाएगा, वुचर एरिया, कोज्ड बाय वुचर एरिया, तो उचर एरिया बैंक्रोप्टाई या उचर एरिया मेलेरिया के कारण होता है। एंड बी एक्ट एज द वेक्टर फॉर द डिजीज, वेक्टर कौन सा होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो इसका वेक्टर होता है, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण होगा और उचर एरिया जो है वो इसका मेन कोजिंग एजेंट होता है। तो कोजिंग एजेंट तो फाइलेरियसिस का या एलिफेंटियसिस का क्या होता है, उचर एरिया बैंक्रोप्टाई या उचर एरिया मेलेरिया, और वेक्टर जो है वो इसको 1% टू अनदर पर्सन जो ट्रांसमिट कर रहा है वो कौन करेगा, फीमेल क्यूलेक्स जो मच्छर है वो उसको आगे फैलाता है। क्लियर, करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा इसका सेकंड आंसर। उसके बाद 112, मार्क द ऑड वन विद रेफरेंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के इनहेरिटेंस लॉ के रेफरेंस में जो है वो आपको ऑड वन या इनकरेक्ट जो है वो आपको देखना है। फर्स्ट, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सेटाइवम फॉर 7 ईयर्स, कब से कब तक किए थे, 1856 से 1856 to 1863 तक लगातार इन्होंने जो है वो 7 सालों तक जो है वो पाइसम सेटाइवम इस गार्डन पीपर जो है वो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद ये रखा है फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी, पहली बार जो है वो इन्होंने ही स्टैटिस्टिकल डाटा के रूप में रिजल्ट अपने दिए थे, इसलिए कई दिनों तक लोगों का ध्यान भी नहीं गया था इनकी तरफ, कई दिनों तक जो यह वो एक तरीके से मेंडल अनसक्सेस भी रहे थे। उसके बाद तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, एक्सपेरिमेंट्स हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, ये भी करेक्ट है, कई तरह के सैम्पलिंग साइज लेकर जो है वो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, करेक्ट है। ही सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटी, ट्रू ब्रीडिंग जो वेराइटी ली थी पी प्लांट की इन्होंने वो कितनी ली थी, 14 पी प्लांट की जो है वो वेराइटी इन्होंने ली थी। इसमें क्या दे रखा है, 7 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, तो 7 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की बजाय जो है वो कितने लिए थे इन्होंने, 14 जो है वो इनके अंदर इन्होंने लिए थे, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, 113, म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाई, म्यूल जो है वो अपने आप में खच्चर जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसके कारण हुआ है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के कारण, जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच क्रॉस करवाया गया, एक हॉर्स और दूसरा डंकी, इसलिए ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतर जातीय संकरण द्वारा होता है। क्लियर, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नाको इज रिलेटेड विद जनरल अवेयरनेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय, सबसे पहली बात नाको जो है वो किससे रिलेट है, एड्स से रिलेट है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको किससे रिलेट है, एड्स से, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो डिजीज है वो किसके कारण होती है, कॉज्ड बाय ए वायरस, कौन सा वायरस, HIV वायरस के कारण होने वाली डिजीज है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, वायरस से होती है। क्लियर, उसके बाद है 115, ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय, ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट बनाएंगे, ब्रेन स्टेम जो है वो एक तो मिड ब्रेन बनाता है और हाइंड ब्रेन का पॉन्स फेरोलाई और मेंडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है,
क्लियर यहां तक? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का जो है वो कौन कौन से पार्ट, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मिलके ब्रेन स्टेप बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम नहीं होगा इधर, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो 115 में करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। उसके बाद देखें 116, स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट, व्हाट डज इट शो। इसमें आप देखिए भी पेडिग्री चार्ट है वो किसको शो कर रहा है, सबसे पहले आप देखो डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट कब होती है, जब हर जनरेशन में इफेक्टेड आते हैं तो डोमिनेंट ट्रेट होती है, किसी में इफेक्टेड किसी में इफेक्टेड नहीं आ रहे हैं तो क्या हो गई, रिसेसिव ट्रेट। इसमें देखिए आप, इसमें फर्स्ट जनरेशन में कोई इफेक्टेड नहीं है, ये सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वो कोई एक भी इफेक्टेड नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंड जनरेशन में इफेक्टेड आ रहे हैं। इसके बाद इनके बीच क्रॉस करवाया, ये इनमें दोनों ही अनइफेक्टेड है, उसके बाद भी अगली प्रोजेनी में इफेक्टेड आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ये इनके अंदर जो ट्रेट है वो तो कैसी है, रेसेसिव ट्रेट है। अब रेसेसिव के बाद एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और ऑटोसोमल में से कौन सी है, अगर मेल टू मेल इनहेरिटेंस होती, हॉलेंड्रिक इनहेरिटेंस होती तो वाई लिंक्ड होती, ऐसा कुछ इसमें हो नहीं रहा, मेल टू मेल आ नहीं रहा। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती, क्रिस क्रॉस मीन्स मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, इस तरह की इनहेरिटेंस होती तब क्या होता, वो इस तरह की इनहेरिटेंस होती तो एक्स लिंक्ड होता। इस तरह की इनहेरिटेंस भी नहीं है क्योंकि मेल फीमेल दोनों इफेक्टेड आ रहे हैं, इसका मतलब जो है वो क्या है, ऑटोसोमल है, और ऑटोसोमल के साथ कैसी है, रिसेसिव ट्रेट है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, पहले में दे रखा है इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ये तो इनकरेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड भी नहीं है ऑटोसोमल ही, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनके अंदर जो है वो ऑटोसोमल है और रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर यहाँ तक, करेक्ट जो है वो आंसर क्या जाएगा 116 में, चौथा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नैक। आपके स्नैक्स के अंदर जो है तो दो तरह के वैरायटी होती है, एक पॉइजनस स्नैक और एक नॉन पॉइजनस स्नैक। पॉइजनस स्नैक के अंदर जो है वो वाइपर, कोबरा, क्रेथ, ये पॉइजनस स्नैक होते हैं। नॉन पॉइजनस जो है वो इनमें कौन सा है, पाइथन या अजगर जो होता है वो नॉन पॉइजनस स्नैक होता है, उसमें कोई पॉइजन नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट 118, विच इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए जो आगे ट्रांसपोर्ट कर सकता है वो कौन सा पार्ट होता है, फेरिंग्स जो है वो इन दोनों का एक कॉमन पैसेज है। किस किस के फेरिंग्स जो है वो किस किस के बीच कॉमन पैसेज है, ये फूड और एयर। फूड आएगा तो भी बक्कल कैविटी से हो गया इसोफेगस में जाएगा, तो बक्कल कैविटी से इसोफेगस में किसके थ्रू जाएगा, फेरिंग्स के थ्रू जाएगा। और एयर जो आएगी वो नेजल चैम्बर से होके और जब ये ट्रेकिया में जाएगी तो भी किससे जाएगी, फेरिंग्स से होके जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसमें, थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरिंग्स। क्लियर। उसके बाद आप देखें 119 है, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए स्टैंडर्ड ईसीजी, चूज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड ईसीजी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो स्टेटमेंट देखने, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। द पी वेव रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ये करेक्ट है, पी वेव एट्रिया के डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है द टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, टी वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट हो गए, इसका मतलब आंसर करेक्ट क्या जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू। ठीक है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। उसके बाद 120, इफ ए पर्सन हैड टू चैम्बर डाइट, टू चैम्बर डाइट है, इट मीन्स वन एट्रिया और वन
ventricle. Clear? Two chambered head, one ventricle and one atria with the vena cava entering the atrium. Vena cava kahan laake chhod rahi hai blood ko? Atrium ke andar laake chhod rahi hai. And the aorta leaving the ventricle. Aorta jo hai wo kya kar rahi hai yahan se ventricle ko leaving या वेंट्रिकल से बाहर निकल रही है. अब इसमें क्या दे रखा है? एओर्टा लिविंग द वेंट्रिकल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? क्या हो सकता है कि यहाँ से जो ब्लड आएगा इसमें वो वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड इम्प्योर ब्लड है, और उसी इम्प्योर ब्लड को जो है वो पंप कौन कर रही है? इस इम्प्योर ब्लड को पंप कर रही है एओर्टा. तो इम्प्योर ब्लड को एओर्टा पंप कर रही है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? एओर्टा इसको पंप कर रही है, इट मीन्स ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जाएगी. क्लियर यहाँ तक? तो नो ऑक्सीजन वुड रीच टू द सेल्स और टिश्यू. तो सेल्स और टिश्यू के अंदर जो है वो इस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी. अगर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता तो क्या होता? पहले इम्प्योर ब्लड है वो पहले वहाँ से कहाँ जाता? लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से वापस कौन से चैम्बर में आता? लेफ्ट एट्रियम में आता, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बॉडी में पंप करता. वो कैसा होता? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता. अब कैसा जाएगा? ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगले उसमें जाएगा. इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा. क्लियर? ये उसके बाद है 121. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन? मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम इनमें से कौन सी इवेंट नहीं होती? शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड, ये करेक्ट है. आई बैंड की शॉर्टनिंग होती होती है. आई बैंड छोटा होगा. शॉर्टनिंग ऑफ एच बैंड, एच बैंड भी छोटा ज्यादा, उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट उसको कवर कर लेते हैं, ये भी करेक्ट है. नो चेंज इन ए बैंड, ए बैंड जो है उसकी साइज में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता, ए बैंड उतना का उतना ही बड़ा रहता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है. क्लियर? फोर्थ है डिक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, ये गलत है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आते. क्लियर यहाँ तक? केवल एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करके मायोसिन के ऊपर आ रहे हैं, ये मायोसिन फिलामेंट है, इन मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करके आ रहे हैं और वापस स्लाइड करके दूर जा रहे हैं, लेकिन साइज में इनकी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना. जितने बड़े एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट होते हैं आफ्टर मसल कॉन्ट्रेक्शन भी उतने बड़े ही रहेंगे. क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब कोई चेंज इसमें एक्टिन फिलामेंट की लेंथ में नहीं आता, जबकि ये क्या दे रखा है? डिक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, तो ये इनकरेक्ट हो गया. तो ये इसके अंदर जो है वो चौथा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? 122. यू हैव डिस्कवर्ड एन एनिमल हैविंग कैरेक्टर्स लाइक, क्या क्या कैरेक्टर है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से शुरू हो जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाते हैं प्लेटीएल्विन्थिस से कोर्डेटा तक. ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद दे दिया बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री भी कहाँ से शुरू होती है? प्लेटीएल्विन्थिस से शुरू होती है. आगे कहाँ तक रहती है? कोर्डेटा तक. उसके बाद आ जाओ सिलोमेट. सिलोमेट में प्लेटीएल्विन्थिस नहीं होंगे. सिलोमेट आ गया, इसका मतलब प्लेटीएल्विन्थिस और एस्केल्विन्थिस दोनों ही हटा दो आप. अब क्या स्टार्ट हो गए? एनेलिडा से स्टार्ट हो गए. अब पॉसिबिलिटी क्या है? एनेलिडा से आगे के हो सकते हैं, एनेलिडा से पहले के नहीं होते, क्योंकि एनेलिडा से पहले एस्केल्विन्थिस जो होता है उसमें भी क्या होती है? शुडोसिलोमेट होते हैं, उनके अंदर भी फॉल्स सिलोम है, इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद है काइटिनस एक्सोस्केलेटन. काइटिनस एक्सोस्केलेटन स्पेशल कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का. क्लियर यहाँ तक? तो ये आर्थ्रोपोडा में होता है. बॉडी डिवाइडेड इंटू सेफेलोथोरिक्स एंड एबडोमिन एज बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स के अंदर सेफेलोथोरिक्स है और एबडोमिन है. इस तरह के जो है वो एनिमल्स कौन से हो सकते हैं? आर्थ्रोपोडा होंगे. तो ये इनमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, क्योंकि मोलस्का के अंदर भी एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस नहीं होता, किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड. 123. विच लेयर ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी? बच्चे की डिलीवरी के टाइम जो है वो यूट्रस की कौन सी मेम्ब्रेन या कौन सी लेयर जो होती है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है? मेन मसल कॉन्ट्रेक्शन जो होती है उसके कारण होता है. पार्चुरेशन जब होगी, बच्चे की डिलीवरी होगी, उस पार्चुरेशन के टाइम जो है वो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, और यूट्रस में होने वाले ये कॉन्ट्रेक्शन जो है वो फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, और वो फास्ट कॉन्ट्रेक्शन जो है वो क्या करवाएंगे?
प्लेसेंटा को वीक करते हैं। तो उसमें कौन सी लेयर की का मेन रोल होता है? मायोमेट्रियम का मेन रोल होता है, क्योंकि सबसे थिक लेयर भी मायोमेट्रियम होती है और उसके साथ साथ मेनली मस्कुलर लेयर भी मायोमेट्रियम है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा, सेकंड हो जाएगा। मायोमेट्रियम के कारण जो है वो उसके अंदर बच्चे में बच्चे की डिलीवरी जो है वो आसान होती है। क्लियर? 124 स्टेज ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम जो होती है वो कौन सी स्टेज में रहेगी? सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में होता है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो डिवीजन सेकेंडरी ओसाइट में मेटाफेज सेकेंड फेज के अंदर ही आके वो डिवीजन रुक जाता है, और जब तक स्पर्म इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ जाता तब तक वो डिवीजन कंप्लीट नहीं करता है। इट मीन्स कौन सी रहेगी? सेकेंडरी ओसाइट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 125 हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द जीनोटाइप। ये एक जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कितने तरह के गैमेट्स पॉसिबल है। तो कोई भी जीनोटाइप दिया हुआ हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में जो है वो गैमेट्स के नंबर निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाया, 2 की पावर n लगाएंगे। इसके लिए जो है वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर n, और n जो है वो यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। इस जीनोटाइप के अंदर जो है वो हेट्रोजाइगस कितने हैं, इसमें जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस है, एक तो AA कैपिटल A स्मॉल है ये हेट्रोजाइगस है, दूसरा कैपिटल C स्मॉल C है। इसमें हेट्रोजाइगस जो है वो कितने हो गए, कैपिटल A स्मॉल A और कैपिटल C स्मॉल C, ये इनके अंदर जो है वो हेट्रोजाइगस हो गए। तो ये दो हेट्रोजाइगस इसके अंदर हो गए, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 हो गए, और फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब n क्या हो गया, 2, तो इसका मतलब 4 गैमेट्स बन जाएंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। क्लियर? 126 इन मिराबिलिस जलापा हाइब्रिड बिटवीन रेड एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स प्रोड्यूस्ड पिंक फ्लावर ड्यू टू। तो ये रेड और वाइट जो है वो पिंक फ्लावर प्लांट बना रहे हैं, इसका मतलब ये किस तरह की इनहेरिटेंस है, ये इनके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं, ये पिंक फ्लावर प्लांट बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, ये सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। क्लियर? उसके बाद है 127 इनिशियल HIV फैक्टर इन द बॉडीज। सबसे पहले बॉडी के अंदर HIV आने के बाद, HIV के एंटर करने के बाद वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, तो कहाँ करता है, सबसे पहले वो अपनी नंबर्स को मल्टीप्लाई मैक्रोफेज सेल में, उसके बाद जाके वो अटैक किस में करता है, टी हेल्पर सेल में। क्लियर? पूछा क्या है, इनिशियल HIV फैक्ट्री पूछी है कि सबसे पहले HIV जो है वो कहाँ आके अपनी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, तो किस पे आने के बाद, किस पे अटैक करने के बाद करता है, मैक्रोफेज में आने के बाद जो है वो अपनी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें 128 है एलर्जेंस आर, एलर्जन जो है वो क्या होते हैं, जिनके कारण से अपने को एलर्जी होती है, इन्फेक्शियस होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। कैसे होंगे, नॉन इन्फेक्शियस होंगे, और उसके साथ साथ एलर्जन की एंट्री होने के बाद मास्ट सेल जो है वो एक लार्ज नंबर में जो है वो हिस्टामिन या लार्ज अमाउंट में हिस्टामिन सीक्रेट करती है। क्लियर आंसर? तो ये नॉन इन्फेक्शियस होगा एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgE एंड हिस्टामिन। क्या होगा, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन नहीं होगा एक तो, नॉन इन्फेक्शियस एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgE एंड हिस्टामिन। तो ये IgE एंटीबॉडी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ हिस्टामिन का सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा। तो ये इसमें फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो नॉन इन्फेक्शियस एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgE एंड हिस्टामिन, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखें 129 है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट अमंग द फॉलोइंग इज। इन सब में जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो है वो कौन सा होगा, इकोनॉमिकली इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट एपिस हो गया, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, ये सारी जो है वो क्या है, जो है वो हनी भी होती है, और हनी भी जो है वो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, हनी के और वैक्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसलिए इनको स्पेशली जो है वो बी कीपिंग करके पाला जाता है। तो ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होती हैं एपिस। क्लियर? करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका। क्लियर? उसके बाद देखें 130 में दे रखा है C डबल बॉन्ड O, NH इज फाउंड इन ऑल।
एक्सेप्ट, ये अगर ग्रुप जिसमें पाए जा रहे हैं इसका मतलब ये ग्रुप एमीन ग्रुप अगर है तो एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो किस में पॉसिबल है, एमिनो एसिड्स में। तो एमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एमिनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एमिनो एसिड्स है वो मिलके क्या क्या बना सकते हैं, एमिनो एसिड्स है वो पहले पेप्टाइड बनाएंगे, पेप्टाइड में लॉन्ग चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड बन जाती है, और वही पॉलीपेप्टाइड कई आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, प्रोटीन बना देती हैं। तो ये किस में पॉसिबल नहीं है, पहला दे रखा है पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड से ही बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, तो ये पॉलीपेप्टाइड में पॉसिबल है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ये पॉसिबल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, CnH2O(N)। कार्बोहाइड्रेट का जनरली फॉर्मूला जो है वो CnH2O(N) होता है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन भी क्या है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन्स, तो ये इनके अंदर जो है वो सब किससे बने हुए हैं, एमिनो एसिड से बने हुए हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में एमिनो एसिड नहीं होते। क्लियर, वो सिंपल शुगर से या सिंपल मोनोसेक्राइड शुगर से बनी होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट में पॉसिबल नहीं है। क्लियर। उसके बाद 131, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर प्रोटीन टू मैनी बायोलॉजिकल फंक्शंस। मोस्टली बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जो है वो प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये इनके अंदर जो है वो कौन सी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो टर्शरी होती है क्योंकि टर्शरी जो प्रोटीन बनती है, टर्शरी प्रोटीन बनने के बाद जो है वो इनके अंदर कुछ जगह पे उसके पॉकेट्स या उसके सॉकेट्स बनेंगे जहाँ पर वो दूसरे के साथ कहीं पर बाइंड कर सकती हों। एक्टिव साइट जो बनेंगी वो जाके प्रोटीन के अंदर कहाँ बनेंगे, टर्शरी प्रोटीन जो बनती है वहाँ आके इनमें एक्टिव साइट बन जाती हैं जिनके थ्रू वो दूसरे के साथ बाइंड कर सकती हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, टर्शरी प्रोटीन। उसके बाद 132 है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो इस तरह की जो रेजिस्टेंट जीन जो बन रही है, चाहे AMPR बन रही हो, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये कोई सी भी जीन जो है वो रेजिस्टेंट जीन है, वो क्या दे रखा है इसमें, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल। किसके कारण पॉसिबल हो सकती है, लिंकिंग जो होती है या जुड़ना जो है आपस में, दो DNA का जुड़ना, वो आपस में किसके कारण पॉसिबल है, तो आपस में दो DNA के फ्रेगमेंट अगर जुड़ेंगे तो कौन सा जोड़ सकता है एंजाइम, DNA लाइगेज एंजाइम जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इनको आपस में कनेक्ट कर सकता है। क्लियर। उसके बाद 133, द प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम इज कोल्ड। किसी भी होस्ट बैक्टीरियम में फॉरिन DNA को अगर आप डाल रहे हैं, तो फॉरिन DNA को उस होस्ट के अंदर डालने के बाद इसके अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंजेज आ जाते हैं, और वो होस्ट बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी होस्ट बैक्टीरिया में फॉरिन DNA को इंट्रोड्यूस करना, और फॉरिन DNA को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस कर देना, तो ये कैरेक्टर में उसके चेंजेस आ जाते हैं, तो प्रोसेस क्या कहेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और इससे जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनने के बाद जो होस्ट बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को हम क्या कह देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स कह देंगे। क्लियर यहाँ तक। तो रूपांतरक और अरूपांतरक, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे और प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। उसके बाद है 134 है द टेक्निक इन विच ए फॉरिन DNA इज प्रेसिपिटेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स। अगर टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स पे जो है वो अगर उसको प्रेसिपिटेट करके DNA को, और उसके बाद उस टंगस्टन के थ्रू, गोल्ड पार्टिकल के थ्रू जो है वो उसको आगे टारगेट सेल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, ये बायोलिस्टिक मेथड होता है। तो बायोलिस्टिक मेथड के अंदर जो है वो टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल के ऊपर जो है वो उसको क्या कर देंगे, DNA जो है उसके कोटिंग करके, और उसके बाद जो है वो उस गोल्ड पार्टिकल को या टंगस्टन को जो है वो आगे डायरेक्ट जो है वो इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अगर इसमें किसी भी होस्ट सेल के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाए, टारगेट सेल में इस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस मेथड को, बायोलिस्टिक मेथड। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आप देखें 135 आरएनए इंटरफेरेंस कंट्रोल इज रिलेटेड विद, आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो किससे रिलेट होता है, ये मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया इससे जो है वो रिलेट होगा। तो थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, आरएनए इंटरफेरेंस कंट्रोल है वो किसमें होता है, ये इनके अंदर जो है वो मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया में होता है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर थर्ड होगा, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट दे रखा है इसमें एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml CO2 टू द लंग्स एल्वियोलाई इन नॉर्मल कंडीशंस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 4 ml लेके जाएगा 100 ml ब्लड। उसके बाद सेकंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट टू लंग्स इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट कंपाउंड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये लगभग 70% जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो किस कंडीशन में होता है, बाइकार्बोनेट कंपाउंड के फॉर्म में होता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू PCO2, ये इनकरेक्ट है, ये किसके साथ होता है, PO2 पर डिपेंड होता है उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है, वो मेनली PO2 कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। उसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन स्मॉल अमाउंट, ये भी करेक्ट है, मेन अमाउंट जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कहाँ होता है, RBC में, स्मॉल अमाउंट जो है वो कहाँ होता है, प्लाज्मा में। तो बाकी सारे करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा इसमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया इसका थर्ड, क्लियर। 137 फोर स्टेटमेंट आर गिवन बिलो रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट देखने हैं। फर्स्ट दे रखा है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमन एज कंपेयर टू वेन, करेक्ट है, वॉल थिक होती है और ल्यूमन नैरो होती है। एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट इज रिड्यूस्ड, ब्लड सर्कुलेशन अगर हार्ट में रिड्यूस हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने पर हार्ट पल्सेशन के टाइम जो है वो उसमें चेस्ट पेन होने लग जाते हैं, तो वो एंजाइना पैक्टोरिस के लिए, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम, ये इनकरेक्ट है, AB ब्लड ग्रुप वाला आदमी जो है वो किसी दूसरे को ब्लड हर किसी ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकता, ओनली AB ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है, अदर ब्लड ग्रुप को डोनेट नहीं कर सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। डी कैल्शियम आयंस प्ले नो रोल इन ब्लड क्लोटिंग, ये भी इनकरेक्ट है, कैल्शियम आयन और विटामिन के ये दोनों ही जो है वो एंजाइम क्या है, विटामिन के और कैल्शियम आयन ये दोनों ही प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं जो आगे क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। पूछा क्या है, विच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो कौन कौन से हैं, ए और बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और CED इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्लियर। उसके बाद 138 फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना आपको अबाउट फोलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फोलिकुलर फेज में देखना आपको, इट इज ऑल्सो द पीरियड ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो है वो क्या करती है, धीरे धीरे जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो डिजेनरेट हुई थी एंडोमेट्रियम वो वापस अपने आप को रिजेनरेट करती हैं, वापस वो प्रोलिफरेट करती हैं, तो ये करेक्ट है इसके लिए। सेकेंड है द एंडोमेट्रियम बिकम्स सेक्रेटरी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम जो है वो यहाँ सेक्रेटरी नहीं होती, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द न्यू ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का FSH हार्मोन आता है उसके कारण धीरे धीरे जो है वो उसमें नई फॉलिकल्स की जो है वो मैच्यूरेशन शुरू होने लग जाती है जो आगे चल के ग्रेफियन फॉलिकल बनाती हैं, तो थर्ड इन केस में करेक्ट है। दिस पीरियड परसिस्ट फॉर अबाउट इनिशियल 8 to 9 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये लगभग शुरू के जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज के जस्ट बाद के 8-9 दिन तक जो है वो ये स्टेज है वो बनी रहती है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट जो है वो इसमें पूछा है तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्लियर। 139 सेलेक्ट करेक्ट मैच इन गिवन कॉलम, इनमें कलेक्ट गैमिट्स आर
मेड टू फॉर्म द जाइगोट इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी के अंदर जो है वो गैमेट्स को कलेक्ट करके आपस में फर्टिलाइजेशन करवाना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है. जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इन टू द फेलोपियन ट्यूब. 8 ट्रांसफर इसमें 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज में अगर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तब किसमें करेंगे, उस जाइगोट को जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे. इट मीन्स क्या हो जाएगा, जेड आई एफ टी. उसके बाद है एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स. मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स को ट्रांसफर करेंगे तब फेलोपियन ट्यूब की बजाय कहाँ करेंगे, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे. उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. तो इसके लिए क्या जाएगा, आई यू टी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. और उसके बाद फोर्थ है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल. फीमेल के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही अगर दोनों मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हों उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन. तो ये करेक्ट इसके साथ आ जाएगा डी, इन विवो फर्टिलाइजेशन. अब इसमें आप देखिए फर्स्ट के साथ जो है वो क्या आ जाएगा, सी. तो फर्स्ट के साथ सी, फिर ए, फिर बी, डी. सी ए बी डी, ये किसमें आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका सी ए बी डी. क्लियर. उसके बाद 140, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट ऑफ फीमेल, इंसेमिनेट द फीमेल, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंटिंग इन द इजेकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाई. इस कंडीशन को जो है वो करेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जहां मेल अपने जहां मेल इंसेमिनेट करने में कैपेबल नहीं हो रहा हो या फिर उनके अंदर स्पर्म काउंटिंग कम हो, उस कंडीशन में जो है वो कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए या प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, ए आई आ जाएगा, आर्टिफिशियल जो है वो इंसेमिनेशन होगा. ठीक है. 141, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल एपिथीलियम इज करेक्टली मेज्ड विद इट्स लोकेशन. पहला दे रखा है पेवमेंट एपिथीलियम, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इन ग्लैंड, ग्लैंड टू सिक्रीट मटेरियल्स. ये इनके अंदर जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया. वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पेवमेंट की जगह कैसा होना चाहिए, टेसिलेटेड एपिथीलियम होती है. क्लियर. तो ये टेसिलेटेड एपिथीलियम होंगी. उसके बाद सेकंड दे रखा है, टेसिलेटेड समझ रहे हो ना, तरंगित उपकला, लहरदार उपकला होती है, तो वो टेसिलेटेड एपिथीलियम होगी. सेकंड दे रखा है क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स. ये करेक्ट है. क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो है वो ग्लैंड्स की डक्ट में होगी और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में होती है. ब्रेस्ट बॉर्डर्ड कोलमनर एपिथीलियम, पीसीटी एंड डीसीटी, ये डीसीटी में नहीं होंगी, पीसीटी में प्रेजेंट होती है, डीसीटी में नहीं होती. करेक्ट हो गया. सिलिएटेड एपिथीलियम, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, इसमें प्रेजेंट होगी, यूट्रस में नहीं होती, हैंडल लूप में नहीं होती. इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा, सेकंड जो है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है. क्लियर. आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड. 142 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे. पहला ऑप्शन दे रखा है एसिटिल कोलिन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस टू द मोटर एंड प्लेट. जब न्यूरल सिग्नल जो है वो मोटर एंड प्लेट पे जाएंगे तब ये जाके क्या करती है, एसिटिल कोलिन को रिलीज करती है. तो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. करेक्ट छांटना आपको. उसके बाद ये रखा मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया ए सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व की बजाय किसके थ्रू आते हैं, ये मोटर नर्व के थ्रू जो है वो न्यूरल सिग्नल आएंगे. तो ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आइसोट्रोपिक बैंड्स गेट इलोंगेटेड. मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम आई बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्या होता है ये, सॉरी, इलोंगेट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. फोर्थ है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इन देम. कंटिन्यू अगर वो मसल कॉन्ट्रेक्शन करती रहे या रिपीटेड एक्टिवेशन इनके अंदर बार बार होता रहे उस कंडीशन में उसमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है जिसमें जिसके कारण जो है वो मसल फैटिक हो जाती है. तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये इनके अंदर द ऑप्शन विद करेक्ट चॉइसेस, करेक्ट चॉइस वाले स्टेटमेंट जो है वो इनमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट और जो लास्ट है वो इसमें होगा. तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड. उसके बाद है 143,
143 में लिंकेज प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, करेक्ट है ये। लिंकेज है वो क्या करता है, ये इनके अंदर जो है वो सेम क्रोमोजोम्स के अंदर जो है होमोलोगस क्रोमोजोम्स के अंदर जो जीन्स की सेग्रीगेशन है उसको रोकता है, जबकि क्या करता है ये एक साथ जो है वो उन जीन्स की इनहेरिटेंस करवाता है। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्स बॉडी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई हैंकिंग इन इंसेक्ट, फर्स्ट टाइम जो है वो इंसेक्ट में हैंकिंग ने इसको ऑब्जर्व किया था, ये भी करेक्ट है। एल्फ्रेड स्टूटेमेंट यूज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम मैप, ये भी करेक्ट है। रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो क्रोमोसोम मैप तैयार किया था। उसके बाद है टर्म लिंकेज वॉज गिवन बाई कोरेंस, ये इनकरेक्ट है। लिंकेज टर्म जो है वो मॉर्गन ने दी थी, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें कितने हो गए, तीन स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट है और फोर्थ है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 144 में चूज द होमोलोगस ऑर्गन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इनमें से होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो आपको चूज करने हैं। पहला दे रखा है वर्टिब्रेट हर्ट्स, वर्टिब्रेट ब्रेन, ये आपको ध्यान है भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, वर्टिब्रेट हर्ट भी वर्टिब्रेट ब्रेन भी, ये किसको शो करते हैं, ये दोनों जो है वो क्या है इसके होमोलोगस ऑर्गन्स। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडल ऑफ कुकुरबिटा, इन दोनों के अंदर भी ओरिजिन क्या है सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, ये भी होमोलोगस ऑर्गन है, ये भी होमोलोगस ऑर्गन है। वर्टिब्रेट लिम्ब्स जो होती हैं वो भी होमोलोगस ऑर्गन्स है, इसका मतलब द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज होमोलोगस ऑर्गन्स में ये चारों ही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों ही होमोलोगस है, क्लियर। उसके बाद आप देखें 145 है, कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द वन विच इंक्लूड्स द इनकरेक्ट, विच इंक्लूड्स ऑल इनकरेक्ट वंस, इनमें से इनकरेक्ट वंस जो है वो आपको देखने हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट है द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट है। डार्विनियन थ्योरी का मेन की कंसेप्ट क्या था, ये जो है वो ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर। तो ये इनके अंदर जो है वो इसके की कंसेप्ट रहे थे, तो फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद देखें इवोल्यूशन इज डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है कि इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस, इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस विच बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो ये इनकरेक्ट हो गया, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होके स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, प्रसंभावी प्रक्रम है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज नॉट रिलेटेड विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये भी इनकरेक्ट है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं, तो थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। डी में दे रखा है ड्यूरिंग इवोल्यूशन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड विद द लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन किस साथ लिंक्ड होती है, ये आपने एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी में पढ़ रखा है कि बैक्टीरिया के अंदर जो नई स्पीसीज अराइज होती है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाती है, कुछ दिनों में ही बैक्टीरिया में नई स्पीसीज अराइज हो जाती है, क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो कुछ घंटों की होती है, जबकि वही एक्सपेरिमेंट जो है वो अगर किसी स्पीसीज पे करें, किसी बर्ड पे करें, तो उस कंडीशन में नई स्पीसीज के अराइज होने में जो है वो कई सालों का समय लग जाता है। इसका मतलब जो है वो इनमें उसने क्या शो किया इससे कि लाइफ स्पेन जितनी कम टाइम की होती है इवोल्यूशन की रेट उतनी फास्ट होती है, क्लियर यहाँ तक। तो रेट ऑफ इवोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल, क्लियर। तो ये करेक्ट है, तो इनके अंदर जो है वो क्या पूछा है, इनकरेक्ट वन पूछे हैं, तो इनकरेक्ट वन में क्या जाएगा, बी और सी जो है वो इनकरेक्ट है, ए और डी है वो करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी एंड सी। 146 गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ पैथोजेंस डिजीज कॉज्ड बाय देम एंड देयर क्लासिफिकेशन, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्टली मेंस्ड, पहला दे रखा है न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, करेक्ट है, क्या होता है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, क्या चीज है ये भी,
बैक्टीरिया है। फाइलेरियसिस, ये बुचेरेरिया बैक्टेरोप्टाई के कारण होता है। और क्या होता है? एस्केल्मिंथिस, क्लियर। ये क्या होता है? फाइलेरियसिस एस्केल्मिंथिस होता है। और ये इसका मैं दिखा दे रखा है, माइक्रोस्पोरम दे रखा है, इनकरेक्ट हो गया। रिंग बॉम जो है वो उसके कारण जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये इनके अंदर जो है वो फाइलेरियसिस वाला इनकरेक्ट दे रखा है। फाइलेरियसिस का कारण जो है वो क्या होता है? वुचर एरिया बैंक्रोप्टाई, और कैटेगरी कौन सी होगी उसकी? एस्केल्मिंथिस, क्लियर। और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, ये भी करेक्ट दे रखा है। तो इनकरेक्ट क्या आ गया? थर्ड जो है वो इसमें इनकरेक्टली मेंस्ड है, क्लियर। 147, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का एक लीगल यूज अगर किया जाए तो वो किसमें किया जाता है? डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। केवल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का पता करने के लिए जो है वो एमनियोसेंटेसिस जो है वो टेक्निक काम में ली जा सकती है। बाकी अनबोर्न फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर में इसका कोई रोल नहीं होता है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका? फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू एग्जाम्पल आर करेक्टली मैच्ड विद देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। करेक्टली मैच देखने आपको, फर्स्ट सेलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, क्या होते हैं ये इनके अंदर जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। और इसमें क्या दे रखा है? फिजिकल बैरियर दे रखा है, इट मीन्स इनकरेक्ट हो गया। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथीलियम लाइनिंग, द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड द एचसीएल इन स्टमक, ये इनके अंदर जो है वो क्या होगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर दे रखा है ये, जबकि क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पीएमएनएल एंड मोनोसाइट्स। पीएमएनएल में तो कौन सी हो जाएगी? न्यूट्रोफिल्स। और उसके साथ साथ मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जिनमें न्यूट्रोफिल्स आएंगी, ये दोनों ही फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो क्या होती हैं? सेलुलर बैरियर होती हैं, डायरेक्ट जो है वो पैथोजन को खत्म कर देती हैं सेलुलर अटैक के थ्रू। तो ये करेक्ट है। एंटी टिटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, ये एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होती है, किस टाइप की होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है, जिसमें डायरेक्ट जो है वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, या डायरेक्ट जो है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, क्लियर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट है। करेक्टली मैच जो है वो कौन सा है? थर्ड जो है वो करेक्टली मैच है। उसके बाद है 149, व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, उस कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होगी? जब रेस्टिंग पोटेंशियल में कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आइंस एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आइंस। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? थर्ड आ जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। उसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट जो है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट दे रखा है रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटो पिगमेंट्स, क्लियर। करेक्ट है ये, रेटिनल जो है वो क्या है? लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो है वो होता है, तो ये विजुअल फोटो पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है इन रेटिना द रोड्स हैव द फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन, रेटिना के अंदर क्या होता है? रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। वाइल इन कोन्स हैव थ्री डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स, क्लियर। तीन टाइप की जो है वो कोन सेल्स होती है, एरिथ्रोलेब, साइनोलेब एंड क्लोरोलेब, जिनके अंदर तीनों में जो है वो क्या होंगे? थ्री डिफरेंट टाइप के जो है वो फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट है। रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, ये इनकरेक्ट है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है ये। तो ये इसमें रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इसमें क्या दे रखा है? विटामिन सी का, तो ये नॉट करेक्ट हो गया। रोडोप्सिन इज द पर्पल्स रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रोड सेल्स, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा इनमें से? जो है वो थर्ड हो गया, जिसमें दे रखा विटामिन सी का डेरिवेटिव इसको बता रखा है, जबकि क्या होता है? विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, क्लियर। ये आपके सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आपके 17 तारीख का दंगल इससे भी सुपर सुपर हो और सारे बच्चे जो है वो 720 ले गए, क्लियर। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आए सारा, ओके।